हाई दिस इज बी योर बेस्ट क्लिप्स ताकि आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे वीडियोस के कम टाइम में देख पाओ। नेक्स्ट ट्रेंड है जो कि है नेक टाइज। अब मैंने प्राडा के शो में देखा कि काफी बेसिक टाइज थी बट उनमें थोड़ी सी चमक भी थी, और गुची के शो पे तो जितनी टाइज थी वो एक स्कार्फ और टाई का मिक्सचर टाइप था जो भी था। वैलेंटिनो के शो पे देखा कि एकदम पतली वाली टाइज यूज हो रही थी बट काफी फ्रीक्वेंटली यूज हो रही थी। यी सेंट लॉरेंट यानी कि YSL के शो पे काफी 80s वाइब वाली टाइज थी क्योंकि वो थोड़ी सी चौड़ी थी। अब कुछ ब्रांड्स ने तो पैटर्न्स वगैरह के साथ भी खेला। बात यह कि हाँ सब अलग अलग तरीके से कर रहे थे बट टाइज अब कैजुअल वेयर का पार्ट बन जाएंगी इस बार। भाई बल्कि मैं एक इवेंट में गया था अपने दोस्तों के साथ, वहां पे मैंने अपनी कैजुअल सी आउटफिट के साथ टाई पहनी थी और नीचे पैराशूट पैंट्स पहनी थी, काफी कूल आउटफिट लग रही थी। और बल्कि मैं कॉलेज में एक फैशन शो जज करने गया था तब भी मैंने एक टाई पहनी थी बॉम्बर जैकेट के साथ। मतलब ये प्रूव हो चुका है कि टाई अब बस एक बोरिंग ऑफिस में पहनने वाली चीज नहीं है। बट इसको रेट करने की बात आए तो इवन दो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है कि भाई स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, पापा की टाइज लेके पहन लेंगे आउटफिट्स के साथ, लेकिन मुझे पता है कि ये ट्रेंड सब लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे और सबके टेस्ट के हिसाब से नहीं है ये ट्रेंड, तो मैं इसको दूंगा टियर बी। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।